खबर बैतूल से मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के बैतूल में आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पताल का घोटाला सामने आया। जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। बैतूल के निजी अस्पताल वैष्णवी हॉस्पिटल पर प्रशासन की टीम ने 19 अक्टूबर को छापा मारा था, जिसमें आयुष्मान योजना में गड़बड़ी सामने आई थी। योजना आयुष्मान योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा घोटाला इनके हॉस्पिटल में किया जा रहा है, उसके लिए सर ने तत्काल कमेटी बनाई, जिसमें SDM मैं खुद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार महोदय और आयुष्मान का एक व्यक्ति था। चारों लोगों ने जांच की और मौके पे 19 मरीज इनके यहाँ भर्ती हुए थे, भर्ती दिखाए गए थे, जिसमें से केवल 7 मरीज वहाँ पर भर्ती थे, बाकी के मरीजों को अनधिकृत रूप से भर्ती दिखा के और उस योजना का लाभ लिया जाए।